एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। तो मॉर्निंग का हो गया 8:30। अभी हम पूजा पाठ करके आ गए, मंदिर से भीग भी गए पूरा का पूरा, क्योंकि बारिश बहुत जोर तोर से हो रही है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन बारिश होती नहीं है। और आज है हमारे पापा की एनिवर्सरी, तो आप लोग बने रहना। न्यू आते हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना और वीडियो के लास्ट तक रहना। ब्लॉग काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। और चलिए पापा को विश कर देते हैं चल के एनिवर्सरी, और आप लोग भी करिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। और पापा हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी ओल्ड कपल, आज शादी की सालगिरह है। यस। हाँ, तो ओल्ड कपल्स का तैयारी है? बहुत कुछ। हाँ, आज तो बारात आएगी ना? हाँ। दरवाजे पे? हाँ, बारात ले जाएंगे। बारात लेके आई हो? हाँ, बारात ले जाएंगे। अब मेहंदी अपनी दिखाओ, लगाई है क्या मेहंदी? गाइस, मेहंदी पापा ने लगा ली है और पापा आज दूल्हा बनने वाले हैं, बारात लेके आई है। चलो मम्मी को भी विश कर देते हैं। तो मम्मी उपटन लगाएंगी। उपटन लगाएंगे मम्मी इधर। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अपने हाथों की मेहंदी दिखाओ, दोनों हाथों की। देखो कितनी गाइस रची है मेहंदी, बहुत डार्क रची है, यानी कि ओल्ड कपल्स में आज भी उतना ही प्यार है, इसलिए मेहंदी का रंग आया हुआ है। अभी हम दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से। पापा तुमसे मम्मी कम प्यार करती है, कम चढ़ी। तो मम्मी से बहुत प्यार करे तो अकेले देखो इतनी डार्क चढ़ी है। तो हम हो गए हैं तैयार, क्योंकि जैसे आपको बताया सुबह ही ये भी मिले थे, तब मैंने बताया ओल्ड कपल्स यानी कि मेरे प्यारे पापा जी का एनिवर्सरी है, तो कुछ गिफ्ट मम्मी के लिए बनता है ना, कुछ गिफ्ट तो बनता है। तो अभी टाइम हो गया है, बहुत दिन बाद मैंने नेल पॉलिश लगाई है, बहुत दिन हो गए हैं। रेड कलर की लगाई मैंने कल रात में, और वो भी अनिका कह रही थी मम्मा कल एनिवर्सरी है नानू की तो लगा लो, तो मैंने लगा लिया। तो हो गए हम तैयार जाने के लिए गिफ्ट। बारिश का मौसम है, बड़ा दिमाग ख़राब है, आना है अभी, तैयार भी होना है, मतलब तैयार कर, मतलब थोड़ा सा घर को थोड़ा सा सुंदर भी बनाना है। तो चलिए मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट देख लेते हैं, जो भी समझ में आता है वो लेते हैं चल के। तो बनी रही है हमारे साथ। अनिका को लेके नहीं जाएंगे, अनिका स्कूल गई है। अनिका का आने का स्कूल का टाइम है 1:30, तब तक मैं सोच रही हूँ मैं निकल जाती हूँ घर से, नहीं तो ना अनिका की आदत है मम्मा मैं भी चलूँगी, मम्मा मैं भी चलूँगी। और कुछ जगह हम ऑटो रिक्शा नहीं करना चाहते हैं, तो अनिका के लिए करना पड़ता है, वैसे हम पैदल निकल जाएंगे, है ना। बनी रही है। गाइस हम लोग निकल चुके हैं बारिश के मौसम में ही, और गाइस मेरा दुपट्टा जो मेरे पास था ना, कितना सुंदर दुपट्टा था जो मैं इस वाले सूट पे डालती थी, वो गायब हो गया। गाइस गायब ना, ये सब करामात इनकी है गाइस। ना ना, मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि मैं दुपट्टा दुपट्टा डालती ही नहीं हूँ। आप लोगों ने काला धागा देखो। गाइस ये माता रानी का प्रसाद है, माता रानी का लॉकेट पहना हुआ है मैंने। हाँ गाइज, इनका दुपट्टा मतलब चराए कहूँ धर दे इन्हें, अब यू बताओ मैच ना कर रहा है, हम डाल ही चले आए हैं। दुपट्टा दुपट्टा मैं डालती ही नहीं हूँ, आप लोगों ने ब्लॉग्स में देखे होंगे। नहीं गाइज दुपट्टा डालते हुए कभी नहीं। गाइज हमारी बात सुनो, ई एम से कहीं हम कहो तुम्हारा दुपट्टा बहुत अच्छा लागते, और इनकी नजर रहा है दुपट्टा पर, दुपट्टा ही ना मिल रहा है। लग रहा था दुपट्टा अच्छा है, उसका कलर भी डिजाइन भी सब चीज, तो दुपट्टा आखिर गवा तो गवा कहाँ। इनको अपने कपड़े की कोई भी केयर करनी आती ही नहीं है,
इतने सारे कपड़े हैं पूरे अलमारी में भरे हुए, तब भी इनके इधर गाइस देखा कितनी मैं मेहनत करती हूँ, फिर भी बता रही है कि इनको कदर नहीं है कपड़ों की। कपड़ों की कदर मुझे है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मेरा दुपट्टा मुझे मिल ही नहीं रहा। तो गाइस मैंने ये वाला दुपट्टा डाल लिया क्योंकि डाल के तो आना ही था। तो चलिए पूजा, मैं सोच रही हूँ मम्मी के लिए मतलब या तो मैं फ़ोटो फ्रेम वगैरह कुछ बनवा लेती हूँ, या मतलब मुझे तो सही लग रहा है कि मतलब या तो मम्मी के लिए हाथों के लिए चूड़ियों में जो बनता है ना फोटो वो बनवा लो, और मतलब वो बनवा लो, और फिर उस मतलब कोई फेस्टिवल वगैरह होगा तो मम्मी पहन लेंगी। कोई फेस्टिवल होता है या इतने सारे फेस्टिवल आते हैं ना, करवा चौथ आता है, बहुत सारे चीज़ें आती हैं। हाँ तो चलिए वहीं पे देख के डिसाइड कर लेते हैं, और पापा के लिए भी कुछ ले लेते हैं। मम्मी ने बोला है पापा के लिए भी कुछ लेते आना मम्मी की तरफ से, तो वो भी हम शॉपिंग कर लेते हैं चल के। तो चलिए बने रहिए, फिर हमको आके घर में भी बहुत सारे काम करने हैं यार, मैं आके लेट जाऊंगी गाइस। हाँ तो यहाँ हम आ गए शॉप पे, और तो मैं यही सोच के आई थी कि मैं चूड़े पे फोटो बनवाऊंगी मम्मी पापा की, तो बहुत अच्छा रहेगा, मम्मी भी देखेंगी तो उनको खुशी मिल। लेकिन मेरे बजट में नहीं था, जितना ये कॉस्टली भी आप बता रहे थे उतना तो होता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुनाफा ले रहे थे। कम से कम ये 1,000 का कुछ चूड़ा बता रहे थे, कोई 2,000 का बता रहे थे, 1,000 का जो बता रहे थे वो बिल्कुल भी देखने में अच्छा ही नहीं लग रहा था, तो आप लेते ही नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपको। तो हम मतलब मम्मी के लिए चूड़ा सोच रहे थे, लेकिन वो इतना कॉस्टली बता रहा था कि मेरे बजट के बाहर था, 1,500-2,000 ऐसे बता रहा था, तो जा रहा था उसका पूरा, तभी मेरे इतना मेरे बजट में नहीं था, और मुझे लग रहा था कि वो बहुत कॉस्टली भी बता रहा है, तो मैंने फिर वो कैंसिल कर दिया। लेकिन बहुत ही प्यारी चीज़ मैंने बनवाई है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो बने रहिए। और कॉस्टली इसलिए बता रहा था क्योंकि हमारे मार्केट में सिर्फ एक ही शॉप ऐसी है जहाँ पे ये सब कुछ मिल जाता है, बाकी शॉप है नहीं, इस वजह से इतना कॉस्टली बता रहा था। तो मुझे जो चीज़ की मतलब मैं लेने आई थी वो तो नहीं लिया, लेकिन मैंने उससे अच्छा और भी मैंने बनवाने के लिए डाल दिया है उसी की शॉप पे। तो अभी मुझे 2 घंटे के बाद मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी पापा के लिए कुछ कपड़े लेने के लिए, जो मम्मी लेना चाह रही थी, मम्मी की तरफ से गिफ्ट था, तो वो ले लेती हूँ। और कल की वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि आप अच्छी बेटी नहीं है, अपने मम्मी पापा को मतलब टेंशन देती रहती हैं, बेफालतू में उनको टेंशन दे रही हैं मायके में पड़े होके, क्योंकि आपकी वजह से आपके पापा मम्मी से नाराज़ हुए, नहीं तो आपके पापा कितना प्यार करते हैं आप मम्मी से, और आपकी वजह से नाराज़, आप कोई अच्छी बेटी नहीं है। तो देखिए मैं अच्छी बेटी हूँ या नहीं हूँ ये आपको तो नहीं पता, नाराज़ पापा मेरे थोड़ी देर के लिए थे, और बाकी हमारे घर में ज़्यादा देर तक नाराज़गी कोई नहीं रखता है, सब ठीक हो जाता है। और आप मुझे थोड़ी देर के वीडियो में देख के जज कर रहे हैं कि मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, मुझे बुरा लगता है, प्लीज़ ऐसा मत बोला करो। आप मायके में रह के सबसे लड़ाइयाँ करवा रही हैं, मैं किसी से लड़ाई नहीं करवा रही हूँ, प्लीज़ ऐसा मत बोला करो। तो पापा हमारे आज दूल्हा बनेंगे, तो हम लेने आए थे माला। तो यहाँ पे आंटी ना ऐसी बात बोल रही थी, आंटी से जब मैंने बताया कि मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है इस वजह से हम लेने आए हैं इसलिए, तो आंटी बहुत ज़्यादा खुश हुई, कहने लगी ऐसी बिटिया सबको मिले, नहीं तो लोग बच्चों के पास टाइम नहीं होता है अपने माँ बाप के लिए, और आप इतने लेने आए हो, इतनी तैयारियाँ कर रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, मुझे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भी दिया उन्होंने, आंटी ने बहुत खुश हुई कि आप जैसी बेटी सब माँ बाप को मिले। तो देखो आंटी ने मुझे इतना अच्छा समझा, और आप हैं कि मुझे बोल रहे हो कि मायके में रहती हूँ मम्मी पापा की लड़ाइयाँ करवा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मम्मी पापा को एक साथ ही देखना चाहती हूँ, हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, और मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, मेरे मम्मी पापा में कभी भी कुछ लड़ाई झगड़े नहीं हुए हैं। और तो यहाँ पे हम लेके आए थे बलून, तो यहाँ पे हम फुलाने लग गए हैं, पापा को बिल्कुल भी नहीं पता है कि हम सारा कुछ सामान लेके आए हैं, हम उनको सरप्राइज़ करना चाह रहे थे क्योंकि पापा भी आ जाएंगे शॉप से, और
तब तक हम लोग तैयारियां कर लेते हैं। घर आने के बाद मैंने तुरंत से हेयर वॉश किया था क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा चिपकू हो गए थे, बारिश हो गई थी रास्ते में तो भीग गए थे। तो यहाँ पे हमने हेयर वॉश कर लिया है और अनिका की देखो फटाफट कर रही है, बहुत ज़्यादा खुश हैं वो। तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा और शाम को भी एक मैं कोशिश करूँगी कि एक ब्लॉग और डालूँ शाम को, तो वो भी देखिएगा। पापा मेरे दूल्हा बनने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है ब्लॉग में, तो बनी रहिए हमारे साथ में। और आज की ब्लॉग गाइज हम अब एंड कर देंगे, तो फिर पूजा बैठ गई फुलाने के लिए और जल्दी जल्दी कर लेते क्योंकि शाम का शायद 6 बजने वाला था और सारे इंतज़ाम करने थे, तो समझ सकते हो कितनी जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे थे सारे काम बस इसी वजह से। और मुझे खांसी आ रही है, मेरी आवाज़ आपको चेंज लग रही होगी ना, बोलने में भी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है, बोलती हूँ ना तो थोड़ा सा खांसी आ जाती है। और अनिका में लड़ाई हो रही है देखो मौसी में, वो कह रही है नहीं मैं फुलाऊंगी, वो कह रही मैं फुलाऊंगी, देखो अनिका रोने लग गई। और ये फुलाने बैठती ना तो 8 बज जाते रात के क्योंकि बच्चों में टाइम लगता है ना, वही मैं कह रही हूँ मौसी को जल्दी से कर लेने दो, तो वो रो रही है कह रही मेरा बर्थडे आएगा ना तो सारे के सारे मैं ही फुलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है तब तुम फुला लेना, अभी मौसी को कर लेने दो, बहुत देर हो गया है, नानू आ जाएंगे तो फिर उनको ऐसे ही दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं उनको सब पापा को सरप्राइज़ करना चाह रही थी कि जब पापा आए तो उनको डेकोरेट मिले ना तो वो खुश हो जाएंगे। देखो तो बच्चे करते हैं तो हर माँ बाप को अच्छा लगता है ना, और माँ बाप तो हमेशा बच्चों के लिए करते हैं, जब बच्चे माँ बाप के लिए करते हैं तो वो खुशी कुछ अलग ही होती है। तो यहाँ पे देखिए अनिका कितनी ज़्यादा खुश हो गई है ना, रंग बिरंगे गुब्बारे देख के। चलिए हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।